चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। साथियों, बस मैं तो दो तीन सुझाव देना चाहूंगा। गर्मी बहुत है, आप भी परेशान हो रहे हो। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, जो आप इतनी संख्या में इकट्ठे हुए हो और आज आपने सरकार को बता दिया है कि जब देश का किसान जागता है तो सरकार की जड़ें हिला देता है। दूसरा साथियों, मैं अनुरोध करना चाहूंगा, बेनती करना चाहूंगा, सारे देश का किसान इकट्ठा है, इस आंदोलन में इस सरकार को और अभी हिलाने की जरूरत है। जैसा आंदोलन हरियाणा और पंजाब में चल रहा है, चाहे उसमें नेताओं के घेराव की बात हो, चाहे टोल बंद की बात हो, चाहे रोड जाम की बात हो, कृपया वो दूसरे प्रदेश, चाहे वो प्रदेश के किसी कोने से भी हो, वो जितना उत्साह कर सकते हैं, जितनी उनकी ताकत बनती है, उतना जरूर करना चाहिए उनको। एक संदेश देश के अंदर, एक विरोध देश के अंदर पैदा हो। अगला मैं कहना चाहूंगा, मिशन उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, मुबारक है, लेकिन एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर 8 करोड़ वोट किसानों की है। हम बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को बिल्कुल हराएंगे इस बार, लेकिन 8 करोड़ वोट किसानों की है और 3.5 करोड़ वोट से यूपी के अंदर सरकार बनी है। तो मैं अनुरोध ये करूंगा कि अपने बीच से पंचायती उम्मीदवार उतारिए, अपने बीच से संघर्षी लोगों को मैदान में उतारिए और इन सारी राजनीतिक पार्टियों से राज छीन लीजिए। ऐसा ही आप पंजाब में करिए, मिशन पंजाब चलाइए, जितने राजनीतिक पार्टियां मार के भगाइए इनको देश से बाहर। हमारे अगर आज कोई दोषी है तो हमारे नीतिकार दोषी है, चाहे वो मौजूदा पार्टी हो, चाहे वो पहली हो, चाहे वो उससे पहली हो, हमारे नीतिकार हमारे दोषी है। और जब तक हम नीतिकारों को नहीं बदलेंगे तब तक समस्या का जड़ से हल नहीं होगा। साथियों, हमारे देश को अंग्रेजों ने नहीं लूटा, हमारे देश को हमारे खिलाफ कानून हमारे नेताओं ने बनाया, सरकार है चाहे इससे पहली सरकार है। पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। अगर राजनीति ने हमें मारा है तो हमें बचाएगी भी राजनीति। इसलिए जो आपके बीच के लोग हैं, जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो आंदोलनकारी लोग हैं, उनको आप सत्ता में ले आइए और ये राजनीतिक पार्टियों को भगा दीजिए, आपकी सारी समस्याओं का हल एक ही बात में हो जाएगा। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी ना करता हुआ बस आम से अनुरोध करूंगा, इन बातों पर ध्यान दीजिए। 4-5 है वहां पे, आप रंग दिखा दीजिए इनको। अगर आपके हाथ में सरकार आ जाती है, अगर सरकार किसानों और मजदूरों की बनती है, तो ये हमारी जमीन कहाँ, तो अब ये हमारी जमीन बेचने जा रहे हैं कारपोरेट को। आप कारपोरेट की कंपनियां, आप उनके उद्योग, आप पूंजीपतियों की प्रॉपर्टी आप किसानों को बेच सकते हो। उनकी प्रॉपर्टी, हमारी लुटी हुई प्रॉपर्टी उनसे छीन के वापस किसानों को दे सकते हो। तो साथियों, बस अपनी बात को ज्यादा लंबी ना करता हुआ आपको एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप आज इतनी संख्या में आए। आपने आज दिखा दिया देश को किसानों की ताकत क्या होती है। और आप उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक आप इसी तरह से हाजिरी लगाते रहेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप